वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ नॉइस की तरफ से आने वाली कलरफिट प्रो 2 स्मार्ट वॉच। ये एक बजट ओरिएंटेड स्मार्ट वॉच है। उसका बॉक्स आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, काफ़ी कूल बॉक्स है इसका। और उसके पीछे कुछ स्पेसिफिकेशंस की लिखी हुई हैं। आईपी टच स्क्रीन है, स्मॉल नोटिफिकेशन है, मल्टी स्पोर्ट्स मोड्स, IP68 वाटरप्रूफ के साथ और 45 डेज की बैटरी विथ फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग ऑप्शन। ये तो स्पेक्स है और मैं आपको वॉच का फुल डिटेल रिव्यू दे दूंगा क्योंकि मैं इसको 1 वीक से यूज़ कर रहा हूँ। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगा कि आपको ये वॉच जिस प्राइस में आती है, क्योंकि ये बहुत सरप्राइजिंग प्राइस में आती है, आपको ये बाय करनी चाहिए नहीं। तो ये 6 कलर्स में आपको अवेलेबल मिल जाती है, आप ऑनलाइन इसको बाय कर सकते हैं। और मैं जो कलर मैंने लिया है वो है डीप वाइन कलर। और इसके कुछ बॉक्स में आपको दिखा देता हूँ, डिटेल्स पढ़ लेना। और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स भी मिल जाएंगे इस वॉच से रिलेटेड और इसके स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड। तो इसका बॉक्स तो काफ़ी स्टडी है और ये कुछ स्लाइड वाला बॉक्स है। सो हम वॉच की बॉक्स को जैसे ही ओपन करते हैं, हमारे स्क्रीन पर रोहित शर्मा आ जाते हैं। रोहित शर्मा जो ब्रांड एम्बेसडर नॉइस कंपनी के, उनकी तरफ से एक ग्रेटफुल ग्रीटिंग आती है। और जो रोहित के फैन है यार, वो लाइक कर दो, मैं भी फैन हूँ। और इसके साथ आपको 2 बुकलेट्स अवेलेबल होती हैं यहाँ पे, एक जो ग्रीटिंग सी इसको साइड रखते हैं, और सेकंड हमारी आती है कलरफिट प्रो 2 की यूज़र मैनुअल। तो यूज़र मैनुअल को मैं आपको ओपन करके शो कर देता हूँ। वैसे कोई देखता नहीं है यूज़र मैनुअल को, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखे हैं, उसका चार्जर कैसे कनेक्ट करना है, उसका ऐप कैसे इंस्टॉल करना है। तो बेसिकली यही सब था यूज़र मैनुअल में। उसके बाद हम अपने वॉच पे चलते हैं और देखो वॉच तो हमारी यहाँ पे, तो वॉच हमारी यहाँ पे शाइन कर रही है और बहुत कूल लग रही है। ये डीप वाइन कलर है तो उसका मरून स्ट्रैप है और गोल्डन कलर का एक्सेटा वॉच के ऑल ओवर अराउंड। और इसके अंदर हम बॉक्स के अंदर देखते हैं और क्या क्या अवेलेबल होता है। तो ऐसे आपको यहाँ से स्लाइड करना है और ऊपर आ जाएगा बॉक्स, और उसके अंदर आपको यहाँ पे चार्जर मिल जाएगा। क्योंकि मैंने पहले से यूज़ कर रखा है तो मैं चार्जर इसको ऐसे ही रख दिया था। और आप चार्जर देख सकते हैं, ये एक मैग्नेटिक चार्जर है और बहुत सही चार्जर है, क्योंकि काफ़ी स्मार्ट वॉच के अंदर ये मैग्नेटिक चार्जर नहीं आता, जिससे आपको चार्जिंग में काफ़ी इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। एक्सेसरीज से और मैं आपको स्मार्ट वॉच का रिव्यू शो करता हूँ। तो ये स्मार्ट वॉच है मेरे हाथ में, आप देख सकते हैं क्या शाइन कर रही है, और ये बहुत प्रीमियम फील दे रही है यार, और ब्रिलियंटली डिजाइंड है। और पीछे आपके हार्ट रेट सेंसर था, और ये आपके फ्रंट में स्क्रीन, और ये जो इसका स्ट्रैप है ना सिलिकॉन का, ये काफ़ी सही लगा। मैंने यूज़ किया, उसमें कोई इचनेस जैसी प्रॉब्लम नहीं फेस हुई। तो ये आप होम स्क्रीन देख सकते हैं, और ये कुछ एप्पल वॉच की तरह लग रही है, और आप दूर से देखेंगे तो आपको एप्पल वॉच की फील दे देगी ये। साइड में आपके वॉच को एक सर्कुलर बटन मिल जाता है, और मैं आपको उसको कुछ यूज़ करके दिखा देता हूँ बेसिकली कैसे। इस पर क्लिक करोगे तो आप ये ओपन हो जाएगी वॉच का होम स्क्रीन, और इस पर टैप करके रखोगे, होल्ड करके रखोगे तो आपका ये वॉच फेसेस शो हो जाएंगे। तो इसमें क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस हैं, आप इसको अपने ऐप के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसमें काफ़ी सारे कूल कूल वॉच फेसेस अवेलेबल हैं। वॉच में एक इशू था, ये कभी कभी टच मिस कर रही थी, क्योंकि इसमें मैंने स्क्रीन लैमिनेट कर रखी, क्या पता इस वजह से कर रही हो। तो आपको वही इशू है तो कमेंट डाउन कर देना। और ये वॉच फेस लगाना बहुत इजी है, होल्ड करके रखना, कोई वॉच फेस आपको जो पसंद है उस पर क्लिक कर दो और वो वॉच फेस लग गए। टैप करते ही आपके स्क्रीन पर सारे हेल्थ रिलेटेड फंक्शंस आ जाते हैं, स्टेप्स काउंटर, कैलोरी काउंटर, रनिंग मोड, हेल्थ स्लीप मोड, और बाकी सारे मोड्स। और वुमेंस के लिए इसके अंदर एक मेंस्ट्रुअल अपडेट्स करके मोड है, वो भी काफ़ी अच्छा मोड है, और उसके अंदर आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो एक स्मार्ट वॉच में आते हैं। इसके अगर पूरा स्पेसिफिकेशन देखना है वो मैं आपको नीचे डिटेल्स में लिख दूंगा, और काफ़ी यहाँ पे मैं शो भी कर देता हूँ। जैसे कि आपको एक डेली काउंटर मिल जाता है, यहाँ पे आपके पर्सनल हेल्थ एक असिस्टेंट मोड है जिसके अंदर आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, आपने कितनी कैलोरी बर्न करी, कितने स्टेप्स चले, और बाकी ये सब। ऊपर करते के साथ ही आप जैसे अप से डाउन स्लाइड करोगे, आपको ये नोटिफिकेशन पैनल मिल जाएगा। यहाँ पे आपके फ़ोन में जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं, जो व्हाट्सएप पे आते हैं, कॉल आती है या टेक्स्ट आते हैं, वो सारे आपको यहाँ पे शो करते हैं। आप यहाँ से इनको डिलीट कर सकते हो, ये आपके वॉच से डिलीट होंगे, फ़ोन से नहीं। और इसमें आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है, म्यूज़िक, स्टॉप वॉच एंड डायल मोड, आप रिसेंटली कॉल डायल कर सकते हैं। और ये ब्राइटनेस भी इसकी काफ़ी ठीक ठाक है, मेरे को इस वॉच की डिस्प्ले काफ़ी पसंद आई, क्योंकि जिस प्राइस में आती है ये TFT डिस्प्ले यहाँ पे लिखी है, लेकिन इन्होंने वॉच की डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और आपको कोई इश्यूज फेस नहीं करेंगे। जैसे आप धूप में भी आपको क्लियरली इजीली दिख जाएगा इसमें, और जिस प्राइस में आता है उस हिसाब से काफ़ी सही है। और यहाँ से आप म्यूज़िक भी चेंज कर सकते हैं इस वॉच से, स्टेप मोड, हार्ट मोड, आपका साइकिलिंग मोड में, हाई स्पोर्ट्स मोड में जाओगे तो आप साइकिलिंग, रनिंग, योगा, सारे मोड्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, आपकी स्क्रीन पे तो शो ही हो ही रहे होंगे। और बेसिकली ये तो बेसिकली रिव्यू था स्मार्ट वॉच के जो स्पोर्ट्स मोड का। और जैसे कि आपको हार्ट रेट सेंसर भी इसका ठीक ठाक है, और मैं इसको कंपेयर करूँगा आने वाले टाइम में मी बैंड 5 से, और क्योंकि दोनों सेम प्राइस में आते हैं और सेम फंक्शंस है, उस प्राइस में ये वॉच स्टैंड करती है कि नहीं। मैं आपको एक रिलैक्स मोड में मिल जाता है, जिसके अंदर आपको ये बेसिकली बोलेगा ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, एक टाइम के हिसाब से करना, और कैसे आप उसको अपनी हार्ट रेट मॉनिटर कर सकते हैं, और कैसे आप अपनी हार्ट बीट कंट्रोल में कर सकते हैं। तो ये कुछ मोड्स से जो फंक्शंस थे जो इस वॉच में मिलते हैं आपको, जिस प्राइस रेंज में आते हैं आपको यार, उसमें बहुत सारे फंक्शंस मिल जाते हैं, और काफ़ी अच्छी वॉच है जिस प्राइस में आती है। तो इसके अंदर आपको अलार्म का फीचर भी मिल जाता है, इसके अंदर आपको मल्टीपल अलार्म भी आप सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये तो
फंक्शंस मैं आपको शो करें, मैं आपको आगे शो कर देता हूँ कैसे आप अपनी स्मार्ट वॉच को अपने स्मार्टफोन से पेयर करना है। तो पेयर करने के लिए आपको नॉइस फिट का एक ऐप है उसको इंस्टॉल कर देना है, और इंस्टॉल करते के साथ ही आपको ये कुछ परमिशन मांगेगा, लोकेशन वोकेशन की, वो सारी परमिशन दे देनी है, क्योंकि वॉच के अंदर ये आपके फ़ोन के लोकेशन को ही यूज़ करती है, क्योंकि उसके अंदर इनबिल्ट GPS नहीं है, ठीक है। तो उसको आप उसको सारी परमिशन दे देना, ऑटो स्टार्ट इन सब की, और परमिशन देने के बाद आपको यहाँ पे एक स्क्रीन आएगी, यहाँ पे पेयर पे क्लिक करना और आपके स्मार्टफोन शो हो जाएगी। तो अपना ब्लूटूथ जरूर ऑन करके रखना ब्रो, और जैसे ही कनेक्ट करोगे और ये वॉच पेयर हो गई। वॉच की वाइब्रेशन से फील से वो यार वो बहुत तेज़ है, और आपको पूरा नोकिया फ़ोन जितनी वाइब्रेशन देती है और कितने को इरीटेट भी कर सकती है। तो इसके अंदर आप ऐप के अंदर अपना डेटा अपनी फिल कर लेना, जो आपकी बेसिकली हेल्थ का डेटा है, आपकी हाइट, एज, वेट और ये सब, तो उन वैल्यू के हिसाब से आपके लिए प्लान्स भी शो करता है। तो आप जैसे ही अपना पर्सनल डेटा इसमें फिल कर लोगे, उसके बाद ये आपको इसके डैशबोर्ड पे लेके जाएगा, और जैसे कि ओपन करा मैंने, यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, स्टेप्स मोड, स्लीप मोड, ये सब, ठीक है। तो अभी चलते हैं वॉच फेस पे, और वॉच फेस के अंदर आपको क्लाउड बेस्ड मिल जाते हैं, और कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं आप, थोड़े बहुत पार्टी ऐप्स भी है जिनको यूज़ करके आप इसमें और भी कस्टमाइजेशन यूज़ कर सकते हैं वॉच की, वो कभी मैं वीडियो में शो कर दूंगा। जैसे आपको इंस्टॉल करना है कोई वॉच फेस, तो उस पर आपको क्लिक करना है, वो वॉच फेस डाउनलोड होगा, डाउनलोड होते ही इंस्टॉल हो जाएगा आपकी वॉच के ऊपर। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, क्योंकि आपकी नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कितनी जल्दी वो वॉच फेस डाउनलोड होता है और इंस्टॉल होता है। तो अराउंड 1 मिनट के अंदर आपका एक वॉच फेस इंस्टॉल हो जाएगा, और जैसे क्लिक करोगे आप स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हैं वॉच फेस यहाँ पे लग गया है। तो यार वॉच फेस लगने के बाद, इंस्टॉल होने के बाद, आपको वहाँ पे वॉच फेस सेट करना पड़ेगा जाके, और जैसे क्लिक करोगे आपके अपडेटेड वॉच फेस आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो वॉच फेस का कलेक्शन तो काफ़ी अच्छा है इसके अंदर, और आपको थर्ड पार्टी ऐप्स यूज़ करके भी आप वॉच फेस चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो मैं कभी बना। तो इसके अंदर आपको डैशबोर्ड पे यहाँ पे सारा डेटा मिल जाता है, स्लीप, हेल्थ, स्टेप, कैलरी, ये सारा डेटा यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मिल जाता है, और काफ़ी हद तक एक्यूरेट है डेटा। और जिस प्राइस पे आती है यार, हमें वो नहीं बोलना चाहिए, वॉच की बैटरी लाइफ भी 7 डेज़ के अराउंड आराम से चल जाती है, और जिस प्राइस में आती है यार, उस प्राइस में आपको सिर्फ MI के बैंड्स मिलते हैं, 2500 रुपीज़ में आपको Mi Band 4, Mi 5, ये सब बैंड्स मिलते हैं, उस हिसाब से काफ़ी सही वॉच है, और आप इसके लिए गो फॉर इट, ईजिली आप जा सकते हैं इस वॉच के लिए। स्मार्ट वॉच या स्मार्ट बैंड का रिव्यू चाहिए तो वो भी कमेंट डाउन कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।